वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वीडियो में भाई आप सभी का स्वागत है। एक वीडियो और प्रेम मंदिर की, जो पड़ता है जिलाबाद मथुरा और स्थित है वृंदावन में। वृंदावन में यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती के द्वारा बनाया गया है। 100 करोड़ की लागत के बाद यह मंदिर देखने में काफ़ी व्यवहित रूप से सुंदर दृश्य में लगता है। इस मंदिर को देखने के लिए देश से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। इसका देखने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई भी जा सकता है। इस मंदिर में अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रौनक छाई हुई है और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का वक्त आने वाला है। जन्माष्टमी में काफ़ी ज़्यादा रौनक रहेगी यहाँ पर, क्योंकि जन्माष्टमी में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और उसी टाइम पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी। मंदिर को देखने के लिए अक्सर लोग शाम के टाइम ज़्यादा आते हैं। यहाँ की झांकियों से प्रसन्न होकर हर श्रद्धालु का मन खुश हो जाता है। हर श्रद्धालु यहाँ देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं और कई घंटों तक यहाँ टाइम बिता कर जाते हैं। मंदिर तो वैसे भी काफ़ी तो मथुरा में भी हैं, मगर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सुंदर मंदिर वृंदावन में ही है। इसका नाम है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कुछ ऐसी दृष्टि से बना हुआ है जिसको देखने के लिए दूर दूर से देश विदेश से भी लोग आते हैं। और इटालियन ककारा संगमरमर पत्थर से तराशा गया यह मंदिर देखने में काफ़ी ज़्यादा भव्य रूप से सुंदर दिखाई देता है। भाई इसका रंग कुछ अलग टाइप का रहता है सुबह के टाइम, और दोपहर के टाइम का हम बदलने पर दूसरे टाइप का हो जाता है, और शाम के टाइम जब सूरज ढलते हैं उस टाइम कुछ अलग ही टाइप का होता है ये। तो भाई कह सकते हो यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहता है। 100 करोड़ की लागत के बाद यह मंदिर बनके तैयार हुआ था। जगत गुरु कृपालु महाराज ने यहाँ पर यह मंदिर की संरचना की थी, और इस मंदिर को भाई बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसमें काफ़ी लोगों का भाई काम करने का शिलान्यास भी है। मंदिर देखने में शाम के टाइम और रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा भव्य रूप से सुंदर लगता है, क्योंकि इसमें डेकोरेशन मतलब लाइटें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। हर 30 मिनट में या इसका रंग चेंज होता रहता है, काफ़ी देखने में सुंदर भी लगता है ये मंदिर। गोपी गांव के साथ रास रचाने वाले श्री कृष्ण जी का जन्म अभी के टाइम पे 26 अगस्त को है। 26 अगस्त की जन्माष्टमी के द्वारा इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, और इसी जन्माष्टमी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साह से रौनक छाई रहती है। जगत गुरु कृपालु महाराज का यहाँ नाम लिखा हुआ है, और यहाँ की झांकियाँ कुछ इस प्रकार जो आप देख रहे हैं। झांकियाँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर रूप से बनाई गई हैं। लगभग इन्हें बनने में काफ़ी टाइम लगा है, 10 से 11 साल का टाइम लगा है इसमें बनने के लिए। हर मूर्ति आपको एकदम असली दिखाई देगी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा लगता है यहाँ देखने पर। और यह ख़ास तौर से यहाँ जन्माष्टमी पर रहेगा जो है सुंदर नज़ारा। अभी के टाइम पे थोड़े ही दिन पहले की वीडियो है जन्माष्टमी से, तो फिर भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और भाई इसके नीचे ऊपर संगमरमर से तराशा गया है ये मंदिर, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बात करते हैं भाई यहाँ रुकने और ठहरने की। मंदिर के भाई चारों ओर पास भाई होटल ही होटल हैं, जैसा भाड़ा लिया जाए वैसा देना पड़ता है। और
मंदिर कम से कम 22 सड़क से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होगा, और यहाँ से 2 लाइन रोड जा रहा है इसके सामने से होकर के। और वहीं की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ होटल भी प्रस्थान में बने हुए हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हो भक्ति मंदिर, भक्ति मंदिर जगत गुरु कृपालु द्वार महाराज द्वारा बनाया गया यह मंदिर देखने में काफ़ी रोमांचक लगता है। यहाँ की हर झांकिया का जो प्रतीक देख सकते हो, अभी के टाइम पे रात के टाइम पे डेकोरेशन बहुत ज़्यादा की गई हैं, लाइटों की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से की गई है। और यहाँ तो भाई राम और सीता और लक्ष्मण जी की भी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। इन झांकियों को देख के लगता है काफ़ी ज़्यादा उस ज़माने में खुशहाली रही होगी। और तो और यहाँ पर जो है राम और सीता का जो विवाह हुआ था उसका भी जो पूरा का पूरा मंडप जैसा बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं इनका सिंहासन है, बहुत ज़्यादा सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर। इन झांकियों को देखने के लिए ही तो लोग आते हैं यहाँ पर, यह नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और यहाँ पर जो है जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा ये गाई हुई कथा वही झांकियाँ बनाई हुई हैं। बात यहाँ की कर लें तो श्री कृष्ण द्वारा जो गोपियों को रास रचाने वाले कुछ यहाँ भी लगी हुई हैं झांकियाँ। पीछे के टाइप में वन टाइप का है जंगल और हरियाली छाई हुई है। और हम वीडियो करते हैं यहीं पर लास्ट, और वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, चैनल के लिए एक सब्सक्राइब।